हेलो एवरीवन मैं राकेश एच की मास्टर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट फाइव लेकर आपके सामने उपस्थित हूं अब हम इस सीरीज़ को एच एस प्री ना कहकर हम इसे मास्टर सीरीज़ कहेंगे क्योंकि ये एच एस एलाइड वैसे तो एच एस प्री के लिए ये स्टार्ट की थी मैंने लेकिन क्योंकि अब इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो पोस्टपोन हो गई हैं सारी जॉब्स को हिमाचल प्रदेश में तो अब एच प्री अलाइड प्री और इसके अलावा और जो भी एग्जाम्स आएंगे उन सबके लिए ये रेलिवेंट है इंपॉर्टेंट सो है. So, हम इसे मास्टर सीरीज कहेंगे सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आठ तक हो चुके थे आठ सौ से शुरू करते हैं दिस इज घरासनी दिस इज़ द टाइप ऑफ मैरिज इन सिरमौर वेयर गुड जिसे जैगरी कहते हैं इट इज़ एक्सचेंज एंड इटन बाई ब्राइड एंड ग्रूम थ्री डेज लेटर ब्राइड्स पेरेंट्स विजिट द कपल नेम्ड मुरापुल एंड आफ्टर अनदर थ्री डेज द कपल विजिट्स ब्राइड्स होम विच इज़ नोन एज धनोज और धनोवर तो क्वेश्चन कहीं से बन सकता है घरासनी मुरापुल धनोज धनोवर कहीं से भी पीपल डिप्लॉयड ऑन ड्यूटी टू आइसोलेटेड पांगी एरिया वर गिवन फ्यूनरल एक्सपेंसिस एज इट नेवर बी सेट इफ दे वुड रिटर्न डेड और अलाइव इन्हें फ्यूनरल एक्सपेंस दिया जाता था यहाँ पर जो भी डिप्लॉय होते थे पांगी एरिया में लोग इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं सो so, वो इसलिए हैं ताकि हम बार बार रिवाइज करके उन्हें पूरी तरह से कंटेस्ट कर लें आगे बढ़ते हैं बालभद्र ही वॉज किंग ऑफ चंबा एंड ही वॉज़ फेमस फॉर इज पिटी एंड जेनरोसिटी एंड इट ही वॉज़ नेम्ड एज बाली करना आफ्टर द फेमस डोनर्स दो बहुत ही महान दानवीर थे एक था बाली और एक था कर्ण इन्हीं के नाम पर इसका नाम बालभद्रा का नाम दिया गया था बाली करण धर्मशाला वॉज डिक्लेर्ड सेकेंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन नाइनटिन जनवरी टू थाउजेंड सेवेंटीन बाई देन चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह जी इन फोरटीन नाइन्टी एट वास्को डिगामा ऑफ पॉर्चुगल डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया सेलिंग बाय केप ऑफ गुड होप एंड ही अराइव एट कालीकट ऑन ट्वेंटी एथ मे फोरटीन नाइन्टी एट उस समय राजा था जैमोरिन वहाँ का लोकल रूलर एंड ही रिसीव्ड हिम और उसे बहुत अधिक उसने बहुत सी प्रिविलेज दी जिसके बाद से यहाँ पर फॉरनर uh, पावर्स का स्टार्ट हुआ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर आज बाय अवर प्राइम मिनिस्टर टू डिवोट हंड्रेड आवर्स एनुअली दिस इज इम्पॉर्टेंट स्वच्छ भारत के लिए क्लिनलीनेस ड्राइव के लिए सबको 100 घंटे प्रतिवर्ष देने हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस समय अर्ज किया था सब लोगों से स्वच्छ भारत मिशन के दो कंपोनेंट्स हैं ग्रामीण और अर्बन पता है आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसे देखता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वर्ण जयंती सुपर हंड्रेड स्कीम दिस वॉज अनाउंस बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन सौ टॉपर्स दस क्लास दसवीं क्लास के जो होंगे सौ टॉपर्स उन्हें दिया जाएगा एक लाख रुपये प्रत्येक बच्चे को इसके अलावा एक स्कीम है हिमकुपी यह हिम कुक्कुट पालन कुकुट पालन योजना पाँच हजार तक के बॉयलर्स दिए जाएंगे एनुअली पाँच साल तक सौ फार्मर्स को पंद्रह में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर टू इंडिया पुर्तगाली गवर्नर पहला फ्रांसिसो फ्रांसिस्को अल डी अलमेडा था 1505 में बना था और पहली यूरोपियन शक्ति थी यहाँ पर जो फॉरनर्स थे वो आए थे वो थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए थे भी पुर्तगाली तो पोर्तज़ वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इंडिया कम टू इंडिया एंड दे वर लास्ट टू लीव क्योंकि गोवा उनके चंगुल से लिबरेट किया गया था 1961 में गोवा को आज़ाद करवाया गया था जो उनकी कॉलोनी थी सो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि फर्स्ट फॉरनर्स फर्स्ट यूरोपियंस Which came to India and, and leave the nation at the last were, so it was Portugalese, Portuguese. Now, this Francisco de Almeida, his policy being centric to controlling the Indian Ocean region was known as Blue Water Policy. दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट ब्लू वाटर पॉलिसी पोर्तुगीज़ सेटअप फर्स्ट फैक्ट्री इन कैलिकेट पंद्रह में डच ने उसके बाद आए डच उन्होंने मसूली पटना में बनाई सोलह में फिर आए ब्रिटिशर्स जिन्होंने भी पटना में बनाई सोलह में और लास्ट में आए फ्रेंच पुर्तगाली सबसे पहले आए थे सबसे बाद में गए फ्रेंच सबसे बाद में आए थे और सबसे पहले भारत को छोड़कर चले गए एज पर इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द पॉपुलेशन विद इन टू किलोमीटर्स ऑफ द रेजिडेंस तो दो किलोमीटर के अंदर पोलिंग स्टेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए एज़ पर इलेक्शन एले, कमीशन संथाली इज़ फर्स्ट ट्राइबल लैंग्वेज टू गेट इट्स ओन विकीपीडिया एडिशन स्क्रिप्ट ऑफ संथाली इज ऑल चिकली फोर लैंग्वेजेस एडिड टू एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई नाइन्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री जिनके नाम है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली

फैट मैन जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट ये हिरोशिमा और नागा दोनों जापानी शहर हैं जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट स्पाइस जेट ऑपरेटेड फर्स्ट फ्लाइट ऑन बायोफ्यूल्स फ्रॉम देहरादून टू डेली और राजस्थान था पहला सा स्टेट जिसने इंप्लीमेंट की थी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स गांधी मूवी नाइनटीन वॉन एकेडमी प्राइज ऑस्कर कहते हैं जिसे फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर्स एंड भानु अथैया वॉज गिवन फर्स्ट ऑस्कर फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन फिल्म गांधी के लिए फिल्म गांधी के लिए भारत को मिला था पहला ऑस्कर और यह था भानु अथैया को ये रिसेंटली एक एग्जाम में आया था एंड दिस वॉज फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सेवन शिमला हिल्स शिमला में भी सात हिल्स हैं और बिलासपुर में भी सात हिल्स हैं कोर्ट कहलूर जिसे कहते हैं हम तो सत्यधार कहलूर कहते हैं बिलासपुर को बिला, शिमला में है सेवन हिल्स जिनके नाम हैं जाकू हिल एलिजियम हिल प्रोस्पेक्टस हिल प्रोस्पेक्ट हिल समर हिल ऑब्जर्वेटरी हिल एनविरम हिल पेंटनी हिल यह सात हिल्स शिमला शिमला की और बिलासपुर की सत्यधार कहलूर की सात हिल्स हैं बंगलाधार इन्हें सेवन हिल्स नहीं कहकर सेवन धार कहते हैं सात धार हैं इसलिए बिलासपुर को कहते हैं सत्यधार कहलूर तो यह बंगलाधार नैना देवीधार धार रतनपुर धार बहादुरपुर धार, धार कोट धार एंड धार देवीदास वॉज द मेन पेंटर ऑफ बचोली पेंटिंग पंडित सेवू एंड टू सन्स सनसुख एंड मानकू ये थे गुलेर पेंटिंग के मानकू पुरखू फट्टू ये थे कांगड़ा पेंटिंग के निक्का रांचा छज्जू एंड हरकू ये थे चंबा पेंटिंग के तो ये नाम बार बार पूछे जाते हैं ब्या पराइनो एंड गदर ये मैरिज टाइप है खस ट्राइब के हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब है खस गाची छुब्बा डोहरू ठिपू यह इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेज छुब्बा ऑर्बिट ट्रेडिशनल ड्रेस है ऑर्बिट ट्राइब्स की जैसे खंपा की है किन्नर्स की है चार बी सी छ बी सी बारह बी सी पंद्रह बीसी ये वेरियर ग्रुप्स हैं इनके खस्सास के चार बी सी छ बी सी बारह बी सी पंद्रह बी सी जिंद फुक झंझराड़ा दीज आर मैरिज टाइप्स ऑफ मैरिज टाइप्स ऑफ गद्दी ट्राइब एंड चोला एंड डोरा दे आर देर ड्रेसिस चोला एंड डोरा लास्ट एच एस में प्री में पूछा गया था चोला एंड डोरा ट्रेडिशनल ड्रेसिस ऑफ विच ट्राइब सो दीज आर ट्राइब्स ऑफ गद्दी आउटर किलांग एंड गुग्गा दे आर प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स गद्दीज क्रीमेट द डेड बट दोज सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी आर बरिड वैसे तो ये जलाते हैं किसी भी मृत शरीर को लेकिन कोई लेप्रेसी से अगर सफ़र कर रहा है तो उसे वो दफनाते हैं ऐसा कहते हैं कि जलाने से ये बीमारी फैल सकती है खम्पा ट्राइबल पीपल आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसिस लाइक पित्ती खम्पा इन स्पीति खुनु खम्पा इन किन्नौर और इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसिस हैं छुब्बा अगेन जो पीछे हम बात की थी छुब्बा बनजुब किंगर इनके ट्रेडिशनल ड्रेसिज हैं लोसार इनका मेन फेस्टिवल है स्पीति और किन्नौर में गोयतर और लदराचा फेयर्स मनाए जाते हैं जिसमें खुनु और पित्ति खम्पा भाग लेते हैं ड्यूरिंग मैरिज गर्ल्स फ्रेंड्स ब्लॉक वेज ऑफ ब्राइड्स साइड विद स्टोन्स एंड आस्क क्वेश्चन आंसर्स जिन्हें कहते हैं तिमड़े लोह जनेकांग धमचल शीश दरोश दाब और हर यह किन्नर ट्राइब्स के मैरिज टाइप्स ये मैरिज मैरिज के नाम हैं किन्नर ट्राइब के इसके अलावा थेपांग है टोपी किन्नर टोपी चामरू छुब्बा अगेन छुब्बा इज़ वेरी कॉमन चामू सुतन ये सब हैं इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस प्रद्युमन जो सन ऑफ कृष्णा दिस शुड बी किंग नॉट किंग ऑफ कृष्णा दिस शुड बी सन ऑफ कृष्णा कृष्णा भगवान के जो पुत्र थे प्रद्युमन ये थे किन्नर्स के अर्लीस्ट किंग और हमारे लास्ट चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह जी हैं इस डायनेस्टी के एक सौ राजा झोरी घी एंड रसा दिज आर फोक डांसिस ऑफ सिरमौर घी इज अ फोक डांस ऑफ सिरमौर इन विच ओनली दोज गर्ल्स कैन पार्टिसिपेट हु आर बॉर्न इन दैट विलेज केवल वही उसमें पार्टिसिपेट करती हैं लड़कियाँ जो उस गाँव में पैदा हुई होती हैं कयांग बक्यांग बयांगचू ये सब फोक डांसेस हैं किन्नौर के नागा शूना हरकी दीज आर टाइप्स ऑफ कयांग शांद एंड शबू आर फोक डांसेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति शांत एंड शबू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट झंझर है चंबा का फोक डांस गोविंद सागर रिजॉर्वर हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हाइस्ट पर कैपिटा फिश प्रोडक्शन एंड पोंग डैम रिजर्वर रिजर्वायर हैज़ हाइस्ट सेल प्राइस वैल्यू ऑफ फिश कैच इन द इंडिया इन द इंटायर कंट्री सबसे अधिक फिश प्रोडक्शन पर हेक्टेयर होती है गोविंद सागर रिजर्वायर में और सबसे अधिक अगर सेल प्राइस की वैल्यू की बात करें हम तो वो होती है पोंग डैम रिजर्वायर में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है माराणा प्रताप महाराणा सागर डैम जिसे कहते हैं हम अबाउट फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी सेवन फिशर मैन द स्टेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन रिजर्वायर फिशरीज फॉर देयर ये सब फिगर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे की इस साल के हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ के एफ डब्ल्यू बैंक ऑफ जर्मनी फॉर पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स दो हज़ार से लेकर सात साल तक ये प्रोजेक्ट है एंड दिस इज बाय थ्री जीरो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और ये चलाया जा रहा है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जीका द्वारा ये आठ साल के लिए है दो हज़ार अठारह उन्नीस से लेकर दो हज़ार पच्चीस छब्बीस तक ये चलेगा और ये है अठारह सौ करोड़ आठ सौ करोड़ का प्रोजेक्ट तो ये वैसे तो मेन्स के फैक्ट्स हैं लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू एक है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग और दूसरा है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स जैसा कि नाम में ही दिखाया जाए दिखाया जा रहा है क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट और ये है लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सेम ये तो हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है तीन सौ चौंतीस दशमलव पांच स्क्वायर किलोमीटर हमने बढ़ाया अपना फॉरेस्ट कवर हिमाचल प्रदेश ने और अब टोटल फॉरेस्ट कवर हो गया है हमारा तेरह हजार तीन सौ चौवन स्क्वायर किलोमीटर हमारा टारगेट है दो हजार तीस तक इसे तीस प्रतिशत करने का अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एटी हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हेज बी ऑथोराइज फॉर रिजोल्विंग इशूज ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरस्ट लैंड अप टू वन हेक्टेयर फॉर डिवेलपमेंट फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स परसेंट इंडियन लैंड इज प्रोन 68 एट परसेंट इज ड्रॉट प्रोन 12 परसेंट इज फ्लड प्रोन 8 परसेंट इज साइक्लोन प्रोन एंड अवर इंडियन कोस्टलाइन ऑफ 5,700 थाउजेंड किलोमीटर्स इज वल टू स्ट्रॉम सर्जिज साइक्लोन्स एंड सुनामीज़ तो ये है हमारी वर्ल का कुछ डाटा इक्कीस दशमलव चालीस प्रतिशत ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ हिमाचल इंडिया इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायरस ये हम नेशनल डाटा की बात कर रहे हैं नेशनल फिगर्स हैं ये बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है पाँच मेगावाट का बिलासपुर में नियर नैना देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी इसका एम है कि टूरिस्ट टोटल टूरिस्ट के दस प्रतिशत को टेन परसेंट ऑफ टूरिस्ट आर टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इको टूरिज्म बाय टू थाउजेंड थर्टी टैलेंट शिमला में है इको टूरिज्म सोसाइटी का हेडकोर्टर नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज स्टार्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शिमला डब्ल्यू गोल्ड इन एटीन एटी नाइन फॉर कैटल ट्रेड उस समय राजा थे विजय चंद या कहीं कहीं इनका नाम दिया गया है विजय चंद जिन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया था वॉज विजय चंद सो दिस दिस इज विजय चंद दिस शुड बी टेकन एज विजय चंद एज पर एच पी इकोनॉमिक सर्वे इस साल का पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव द लार्जेस्ट मार्केट शेयर ऑफ सिक्सटी सेवन परसेंट कॉपरेटिव सेक्टर बैंक्स ट्वेंटी परसेंट प्राइवेट सेक्टर्स नाइन परसेंट एंड आर आर बी फोर परसेंट द डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स है ग्रोन विथ टेन पॉइंट फोर सिक्स परसेंट और अभी पहुँच गया है सितंबर दो हज़ार उन्नीस तक एक दशमलव दो तीन लाख करोड़ रुपये 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल इमरजेंसी हमारे प्रेसिडेंट ही लगा सकते हैं ही इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेम इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस और इस ग्राउंड को रिमूव कर दिया गया था फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट नाइनटीन में और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह टर्म दी गई थी आर्म्ड रेबिलियन इट वॉज ऑल्सो

और ये क्वेश्चन भी एच में लास्ट टाइम आया था ये ईयर पूछा गया था इट वॉज साइन इन नाइनटीन क्योंकि यू एस इससे हाथ खींच लिए थे इसलिए ये चर्चा में था इट प्रोहिबिटेड यू एस एंड यू एस एस आर टू प्रोजेसिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग ग्राउंड लॉन्च क्रूज़ एंड बेलिस्टिक मिजाइल्स ऑफ रेंज अप टू बिटवीन फाइव हंड्रेड टू फाइव फाइव जीरो जीरो पाँच हज़ार पाँच सौ किलोमीटर तक की जो मिज़ाइल्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट उनको ये प्रोहिबिट करता है रखने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 में शुरू किया गया था हमारे प्रधानमंत्री थे उसमें पी वी नरसिम्हा राव और फिनेंस मिनिस्टर थे हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी उस समय चल रहे थे आठवें फाइव ईयर प्लान उन्नीस सौ की ये बात है एल रिफॉर्म्स जिन्हें कहते हैं जिसके बाद हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशीन्स ओशीनिक वाटर ट्वाइस अ डे इज़ कॉल्ड टाइड सो टाइड इज इस अडे इन ओशियन वाटर वर्ड सुनामी इज डिराइव फ्रॉम जैपनीज लैंग्वेज सुनामी कैना कर एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट और हमारा कोस्टल जो कोस्ट लाइन है उसका सत्तावन सौ किलोमीटर एरिया वनरेरेबल है टू वर्ड्स एंड सुनामी साइक्लोन्स ऑफ सर्जिस पीछे हमने देखा स्टडी ऑफ अर्थक्विक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी आर डी ओलमन को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स अर्थक्विक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ मैग्नीच्यूड ऑफ अर्थक्विक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल एंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन मर्किल स्केल इस बार एलाइड का क्वेश्चन था ये पहला ही क्वेश्चन था मर्कल स्केल डिजास्टर पोर्शन का ये क्वेश्चन uh, था ड्यूरिंग अर्थक्वेक द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर जहाँ पे ये राइट right एंगल पे फोकस ये अगर फोकस है तो बिल्कुल राइट right एंगल पे जो धरती पे जगह होगी उसे कहते हैं एपी सेंटर टू टाइप्स की बॉडी टू टाइप्स की अर्थों की वेव्स होती हैं एक होती है बॉडी वेव एक होती है सरफेस वेव बॉडी वेव में दो होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी सरफेस वेव में भी दो होती हैं लव एंड रेल वेव प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स ये फास्टेस्ट वेव्स होती हैं और ये सबसे पहले पहुंचती हैं कहीं भी और ये सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं सिस्मोग्राफ में लेकिन डिस्ट्रक्टिव सबसे अधिक होती हैं सेकेंडरी सरफेस वेव्स दिस इज एस वेव्स सरफेस वेव्स सो दिज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स अर्थको वेव्स ह्यूमन टेम्पेड जो ये घटना हुई थी नाना देवी टेम्पल में ये हुई थी तीन अगस्त 2008 को इसमें लगभग लगभग एक लोगों की जान चली गई थी उस समय नाना देवी मंदिर में जब ये घटना हुई थी राजा बीरचंद ने ये बनवाया था नैना देवी का टेम्पल राजा विजयचंद ने बनवाया था रंग महल पैलेस और बिलासपुर और इस राजा के समय में ही एटीन में शुरू हुआ था नलवाड़ी का मेला बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो हमने पीछे देखा सो इट इज़ विजय चंद वहाँ हमने लिखा था विजय चंद सो प्लीज करेक्ट इट इज विजय चंद राम सिंह ठाकुर ऑफ खन्या विलेज नियर धर्मशाला और ये इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्टन थे इन्होंने कंपोज़ किया था कदम कदम बढ़ाया जा खुशी के गीत गाए जा सॉन्ग को खन्यारा और पथियार कांगड़ा में तो जगह है जहाँ पे ब्रह्मी और खरोस्ती लिपि में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये क्वेश्चन भी आया था एक एग्जाम में खनियरा और पथियार का फर्स्ट कवर इंक्लूडस ऑल पैचज ऑफ लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर दैन टेन परसेंट अगर आप जानते ही होंगे जियोग्राफी के बारे में अगर हम जमीन से देखें तो जो ट्रीज होते हैं इनका जो फैलाव होता है इसे कहते हैं कैनोपी अगर ये टेन परसेंट नाओ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन टेन परसेंट इज़ फॉरेस्ट कवर इन एटलीस्ट वन हेक्टेयर एरिया और वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं जब ये होती है सेवेंटी परसेंट या इससे अधिक कैनोपी की डेंसिटी महात्मा गांधी कंप्लीटेड एल एल बी इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन इन एटीन नाइन्टी वन एंड ही रेड गीता फर्स्ट टाइम इन लंडन ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया था कि हम महात्मा गांधी जी ने पहली बार भगवदगीता कहाँ पढ़ी थी उन्होंने ये लंडन में पढ़ी थी मीन्स एंड एंड्स थ्योरी वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी जी इन हिज बुक हिंद स्वराज इन नाइनटीन जीरो नाइन द ओनली सेशन विच वॉज प्रिजाइडेड बाय हिम बाय महात्मा गांधी जी इट वॉज नाइनटीन ट्वेंटी फोर का बेलगाम सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से एग्जाम में बार बार आता है 1924 के सेशन में ही महात्मा गांधी जी एकमात्र बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं और बेलगाम को आप कहते हैं बेलागावी आगे सेम आप जानते ही हैं हम बजट को बार बार रिपीटेडली मैं हर वीडियो में लेके आता हूँ बजट के वही दो तीन स्लाइड्स को ताकि आप इसे बार बार पढ़ सकें और जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमें ज़्यादा याद होगा इसमें सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है देन दिस इज़ आवर स्टेट की जी डी पी दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप जानते ही हैं इस बार एक चीज़ इंक्लूड की गई है डिफरेंट डिफरेंसिज इन टेम्पल आर्किटेक्चर्स जो टेम्पल आर्किटेक्चर तीन टाइप का है नगरा स्टाइल द्रविड़ा स्टाइल एंड बेसारा स्टाइल इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ एक टेबुलर फॉर्म है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट आप इसे पढ़ें और ये आपके एग्जाम्स में ये मीनस में काम आएगा और हो सकता है प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए सो दैट्स इट थैंक यू फॉर वॉचिंग इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे सो कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग थैंक यू